एक फैक्ट्री में बहुत हुनरमंद लड़का काम किया करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत का चर्चा हर शख्स किया करता था। फैक्ट्री का मालिक भी उस नौजवान से बहुत खुश था कि अपना काम तवज्जो से करता है और कभी भी एडवांस नहीं मांगता और बस अपना काम करता है और चला जाता है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उसी नौजवान ने बिना बताए फैक्ट्री से छुट्टी कर ली। तमाम स्टाफ परेशान था कि इसने तो कभी छुट्टी नहीं की थी और आज बिना बताए ही गायब हो गया है। एक दिन काम से गैर हाजिर रहने के बाद जब वो नौजवान काम पर वापस आया तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे अपने पास बुलवाया और कहा, मैंने सोचा है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगना कर दी जाए। फैक्ट्री के मालिक को लगा कि शायद इस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और मुआवजा कम, शायद इसीलिए ये मुश्किलात का शिकार है। तनख्वाह में इजाफे की खबर ने उस नौजवान के तासुरात पर जरा भी असर न डाला और उसने फैक्ट्री के मालिक का शुक्रिया भी अदा न किया। खैर, दिन गुजरते रहे, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन उसी नौजवान ने एक बार फिर बिना बताए काम से छुट्टी कर ली और मुसलसल चंद दिन तक गायब रहा। फैक्ट्री के मालिक को उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आया और एक दिन जब वो नौजवान वापस काम पर आया तो फैक्ट्री के मालिक ने गुस्से से उससे कहा, अब अगर काम करना है तो वापस पहली तनख्वाह पर काम मिलेगा। मालिक की यह बात सुनकर उस नौजवान पर कोई फर्क ना पड़ा और वो चुपचाप काम करने लगा। फैक्ट्री के मालिक को बड़ी हैरत हुई कि जब पैसा बढ़ाया तब भी इसे कोई खुशी ना हुई और ये चुपचाप काम करता रहा, और अब पैसा घटाया है तो तब भी इसे कोई दुख नहीं हुआ और ये खामोशी से अपना काम करने लगा है। इस पर फैक्ट्री के मालिक ने उसे अपने दफ्तर में बुलवाया और उससे कहा, एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह दुगना कर दी थी तब भी तुम खुश नहीं हुए और ना ही मेरा शुक्रिया अदा किया, और अब जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह को फिर से अदा कर दिया है तब भी तुम दुखी नहीं हो और मुझे अपनी सफाई देने की बजाय खामोशी से काम करने लगे हो, आखिर वजह क्या है? उस नौजवान ने कहा, सर, जिस दिन पहली बार मैं नहीं आया था उस दिन मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, और दूसरी बार जब नहीं आया था तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। आपने जब मेरी तनख्वाह घटाई तो मुझे लगा कि मेरी मां का हिस्सा मेरी मां अपने साथ ही ले गई है, तो मैं घटे हुए पैसे के लिए परेशान क्यों होता? यह सुनकर फैक्ट्री के मालिक की आंखों में आंसू आ गए और उसने आगे बढ़कर उस नौजवान को गले से लगा लिया। जिंदगी हर कदम एक मुकाबले का नाम है दोस्तों। इस नौजवान को देखिए, जिस पर जब अच्छा वक्त आया तब भी वो खुशी में पागल नहीं हुआ और जब बुरा वक्त आया तो तब भी उसने खुद को सोगवार ना किया। अच्छा और बुरा वक्त जीवन का हिस्सा है, मगर कामयाब वही लोग होते हैं जो अच्छे वक्त में अपनी औकात याद रखते हैं और बुरे वक्त में मेहनत पर यकीन रखते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता।